हेलो माही, दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। कॉल द पुलिस, आई कॉल दानिश। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो ये बताना ना। ओपन द डोर। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जस्ट लीव। मैं नहीं जाऊंगा, नॉट अंटिल वी टॉक। अब दरवाजा खोलो। तुम आखिर क्या चाहते हो मुझसे? ये फोन पर नहीं बता सकता। अब दरवाजा खोलो। हाय जी, यहाँ पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपके दोस्त दानिश भाई से मिला आया था, सर्वे के लिए आपको बताया था। वो तो ऑफिस से नहीं आया होगा अभी। वो मॉन्ट्रियल से आ गए? हाँ, तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। एक्चुअली मुझे जल्दी है। उस दिन भी हमारी बात अधूरी रह गई थी सैफी। यू शुड स्टे, आई नीड टू टॉक टू यू। या किसी और दिन करेंगे। आई हैव टू गेट टू क्लास। ओके, बाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस तुम्हारा ये सामान रह गया था कुछ मेरे पास, तो चल वापस कर दूँ। ओह थैंक यू सो मच। आए ना अंदर। नहीं नहीं, फिर कभी। बाय। ऑलराइट, बाय। फोन डेड है? पता नहीं, तार निकली हुई है। सफाई करते हुए निकल गई थी मैंने तार। हेलो हेलो, कौन है? डिस्कनेक्ट हो गया। आप किसको मिला रहे? माइक को। क्यों ऐसे ऐसे पूछ? बोलो। मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो तुम? की तो है। काफी देर से मैं कॉल कर रही हूँ। दानिश कहाँ है? अंदर है। तो जाओ, तुम भी अंदर जाओ। इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे? रूड नहीं हो रहा, सिर्फ इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे कॉल किया है। अभी तुमने अपनी बात के बारे में कुछ सोचा? सोचा है। और सेकंड थॉट्स के बाद क्या ओपिनियन है? यही कि मेरी फर्स्ट थॉट बिल्कुल ठीक थी। जवाद बिल्कुल अहमकाना बातें कर रहे हो तुम। फिलहाल तुम अहमकाना बातें कर रही हो माई। तुम मेरे घर आओ, इस इशू पे हमें बात करनी है। नहीं सॉरी, तुम्हारे घर तो मैं अब कभी नहीं आऊँगा, पर इस इशू पे भी मुझे फिलहाल कोई बात नहीं करनी।
जवाद लोक मुझे तुमसे मिलना है। माही अगर मिलने की बहुत जरूरत पड़ी ना तो कहीं बाहर मिलेंगे, बट नॉट एट योर प्लेस। बाय। तुमने वो कॉनेट का बिल पे कर दिया था क्या? हाँ कर दिया है। हेलो, यस, व्हाट, सिंस व्हेन? यस, आई विल बी देयर इन एन आवर। थैंक यू ऑफिसर। किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से? या सेफी लॉकअप में है। व्हाट? I have to go. हेलो। हाँ माही, ये घर का फोन क्यों बंद है? दही नहीं तो अच्छा, वो सफाई करते हुए बंद हो गया होगा। भाई तुम्हारी सफाई से फोन की तार का क्या ताल्लुक? तुम जब सफाई करती हो फोन की तार निकाल देती हो। किसी को इमरजेंसी कॉल करनी होती है, हरे के पास हमारा सेल नंबर तो नहीं है ना? आई एम रियली सॉरी, आइदर नहीं होगा, प्रॉमिस, आई विल बी केयरफुल। अच्छा अपनी अम्मी को फोन कर लो, ये फोन पे फोन आ रहे हैं मेरे फोन पे। जी ओके बाय। Just can't imagine this. वो ड्रग्स कैसे यूज कर सकता है? आई नो, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैफी ऐसा तो नहीं था। मैंने कहा था ना वो बदल गया, छोटी छोटी बात पे इतना रूड, इतना अग्रेसिव, जरूर कुछ हुआ है। तभी तो मैं चाह रही थी कि तुम उससे बात करते। यार आई एम सो सॉरी, मुझे लगा ही नहीं कि बात इतनी सीरियस हो सकती है। मैंने सोचा कि वो स्कूल की वजह से स्ट्रेस्ड आउट होगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जुनैद को इस पे शक था मगर उसने मुझे बताया नहीं। वो सोच रहा था मैं बेवकूफ़ हूँ, समझ नहीं सकूँगी। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा होगा। अब परेशान नहीं हूँ क्या? मसले को छुपाने से थोड़ी हल होते हैं। This is like my worst nightmare. अटर्नी क्या कह रहा है? पता नहीं, कह रहा है देखते हैं, कन्विक्शन ना हो कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार हो जाएगा। I just met her once and I don't know, मुझे अच्छी लगी बस वो। I can't help it. यार you can, एक बार फिर सोचो, practically सोचो, emotionally नहीं। Not being an emotional person, and you know that. लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि people do make mistakes. Being a mistake, यार, mistake किसको कहते हो तुम? शादी करने को या जीने से शादी करने को mistake कह रहे हो? जीने में ऐसी क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता। I just like her company. I like talking to her, being with her. ये अच्छी लगती है यार। Oh. Thanks, ma'am. Come on. मैंने तुम्हें मना किया था ना, लड़कों के साथ इंटरनेट फ्रेंडशिप्स ना रखो। भाई मुझे क्या पता था वो अचानक इस तरह मेरे सामने आ जाएगा और फिर मुझे तंग करने लगेगा। मैं तो उसे अच्छा इंसान समझती थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उसने तुम्हारी एक तस्वीर देखी है और उसने तुम्हें पहचान लिया। भाई उसके पास मेरी बहुत पुरानी एक पिक्चर थी और मुझे तो लगता है उसने मुझे मेरी आवाज़ से पहचाना, क्योंकि मैंने भी जब उसे देखा था तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ था, लेकिन फिर मैं समझी मेरा वहम है। तुम दानिश भाई को बता दो। पागल हो गई हो? दानिश को तो जवाब से मेरी दोस्ती नहीं पसंद। अगर सैफी के बारे में पता चलेगा पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे। वो इतने कंजर्वेटिव हैं। तुम ऐसे करो, जवाद भाई को बता दो, देखो वो क्या कहते हैं। जवाद को कैसे बता दूँ, इट्स सो एम्बैरेसिंग। किसी ना किसी से मदद लेनी होगी तुम्हें। जवाद भाई नाराज़ ज़रूर होंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ना तुम्हारे लिए। जवाद मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आजकल उसके अपने मसले ख़त्म नहीं हो रहे।
कौन से मसले? कुछ बोलो माही, क्या है? सवेरा, आई थिंक ही इज इन लव विद ज़ीनिया. व्हाट? ज़ीनिया? दानिश भाई का फ्रेंड? इज़न्ट शी ओल्डर देन हिम? हाँ, लेकिन जवाद को आजकल मेरी कोई बात नहीं समझ आती. उसे ज़ीनिया के अलावा कोई नहीं दिखता. मैं मान ही नहीं सकती, मोहब्बत और जवाद भाई हो ही नहीं सकता. यार मेरी अपनी टेंशन है कम है, तुम खुद ही उससे बात कर लो. आस्क हिम, ही विल टेल यू. नेक्स्ट ट्यूसडे उसको रिलीज कर देंगे. थैंक गॉड, सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए. नहीं, पर उसने ड्रग डीलर्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी है और उस बेसिस पे उसकी सजा माफ हो गई है, वरना तो गया था 6 महीने के लिए अंदर. इसको तो मैं मम्मी के पास ह्यूस्टन भेज रही हूँ. आई कॉन्ट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर. प्लीज ऐसा मत करना, बेचारी की जिंदगी खराब हो जाएगी. तो अब नहीं खराब हुई क्या? आई थिंक ही लर्नड हिज लेसन, वी शुड गिव हिम अ चांस. हाउ कैन यू से दैट जुनैद? उसकी हरकतें तो देखो. ही वाज वेरी अपोलोजेटिक. अपोलोजेटिक था? यहाँ पर उसने मेरा नर्वस ब्रेकडाउन कर दिया है. अपोलोजेटिक था वो, आए तो जरा मैं उससे बात करती हूँ. ये तो और भी अच्छा होगा. तो मुझे पहले सब कुछ बता देते ना, तो ये ना होता. ड्रग्स के बारे में मुझे नहीं पता था, सिर्फ शक था, और शक का इजहार मैं तुम्हें करता तुम तो हंगामा खड़ा कर देती. मगर बात इस हद तक नहीं पहुंचती. जस्ट रिलैक्स, द नाइटमेयर इज ओवर नाउ. हाय. हाय. क्या कर रही हो? कुछ नहीं. आजकल बहुत चुप चुप रहने लगी हो तुम. नहीं तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे? भाई तुम बाहर जाने की भी फरमाइश नहीं करती, आर्ग्यू भी नहीं करती. आर्ग्यू तो मैं पहले भी नहीं करती थी. You're right. दानिश? हाँ. ज़ीनिया के अलावा आपके और कौन कौन फ्रेंड्स हैं? काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं. तुम मिली तो थी उनको शादी के रिसेप्शन पे. हाँ, लेकिन उनके भी अलावा, यू नो, कुछ गर्लफ्रेंड्स. कहाँ से भी गर्लफ्रेंड्स याद आ गई आज. आप बात टाल रहे हैं. मैं बिल्कुल बात नहीं टाल रहा. हाँ है, मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी. वैसे गर्लफ्रेंड से ज़्यादा फ्रेंड्स बेहतर होती हैं. आपने मुझसे मेरे दोस्तों के बारे में नहीं पूछा. इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दोस्तों को, सवेरा, जोया, दर्जनों और. हाँ, लेकिन उनके अलावा भी हैं कुछ, यू नो, बॉयफ्रेंड्स. बॉयफ्रेंड्स? तुमने उनके बारे में तो कभी नहीं बताया मुझे. नॉट रियली बॉयफ्रेंड्स, बट यू नो, कॉलेज में, स्कूल में जैसे फ्रेंडशिप हो जाती है, मीनिंगलेस हार्मलेस फ्रेंड्स. आई होप दैट्स ओवर नाउ. या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. डू यू मिस देम? नहीं, मैं उनको क्यों मिस करूँगी. बस मैं अपने कुछ दोस्तों के अलावा और किसी से इन टच नहीं हूँ. आपने कभी इंटरनेट पे किसी से दोस्ती की है? फजूलियात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. तुमने कभी फ्रेंडशिप की किसी के साथ दोस्ती इंटरनेट पे? I hope not. No. No. Good. जाग रही हूँ. सो जो यार.
आप फिर अपसेट हैं आज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I can read your face. अच्छा, नहीं बताना चाहती ना बताइए। मैंने आज तक आपसे कहा ही क्या शेयर करने के लिए सिवाय फूड के। मैंने समझा था कि शायद आपने दोस्त कहा हो तो मुझे कुछ राइट्स तो मिल ही गए होंगे। ऑब्जर्वेशन अच्छी है तुम्हारी। इसका मतलब है कि कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। सीनिया मैं बहुत डीट हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हारी वाइफ बहुत खुशकिस्मत होगी। हाँ वो तो होगी। तो कब कर रहे हो शादी? नेक्स्ट ईयर 17th of December। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था तुमने डेट भी फिक्स कर ली। एंगेज्ड हो? जब आपसे पहली दफ़ा सबवे पे मिला था तब मैंने बताया था कि नहीं? तो कोई लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड वगैरह तो कोई नहीं है। हाँ, एक दोस्त है। आई लव हर वेरी मच। खुशी हुई जानकर। थैंक्स। यहाँ कर रहे हो शादी? नहीं, पाकिस्तान में। तो कोई कज़न है? यहीं की है, लेकिन शादी पाकिस्तान में करूँगा। यहाँ होती तो मैं भी आती। अरे आप क्यों नहीं आएंगी? आपके बगैर शादी हो सकती है क्या? देखेंगे, अभी तो एक साल बाकी है। कितनी खुश हैं आप मेरी शादी किसी और से करा के। बहुत ज़ालिम हैं आप। Excuse me. जी, तो बस स्पेयर USB होगी। हाँ, क्या हुआ? क्या मुझे चाहिए था, मैं कुछ डाटा अपना स्टोर कर। हाँ आओ। लगता है मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, मैं USB लाती हूँ। भाई कैसी? शी इज़ फाइन। तुम्हें जी ने इनवाइट किया? नहीं, मैं खुद आया हूँ। और फिर तुम यहाँ रुक गए, यहाँ से गए नहीं फिर? हाँ सॉरी, क्या मतलब है इस बात का? देखो जवाब, मैं तुम्हें बताऊं कि जीनिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जी मैं जानता हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो और दोस्त नहीं बना सकती अपने? मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जीनिया को कभी भी अकेला मत समझना, ओके? या That was very rude. Well, मैंने उसको मना किया था यहाँ आने से। He was my guest, Danish. Uninvited guest. Whatever. You have no right to insult him like that. See, I can't stand him around you. बस दफा मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूँ। तुम ऐसे लड़कों को नहीं जानती, मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हें भी 10 साल से जानता हूँ। मैं भी तुम्हें 10 साल से जानती हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आता तुम इतने inconsiderate और selfish कैसे हो जाते हो। मेरी कौन सी selfish हरकत थी तुम्हारे साथ? ये लो USB. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं नहीं करना चाहती तुमसे बात इस बारे में। मैंने तुमसे शादी नहीं की ना, इसलिए मैं सेल्फिश हो गया हूँ। Is that your problem? Please go. I said, please leave my apartment. Okay, I'm sorry. लंच लगा दूं? क्या हुआ? तुमने जवाब से बात की थी? किस बारे में? सीनियर के घर ना जाने के बारे में। हाँ, मैंने उससे बात की थी। तो फिर वो कैसे पहुंच गया? इत्तफाकन चला गया होगा दानिश। क्या वो हर दफा इत्तफाकन चला जाता है? तो आपको इस बात से क्या प्रॉब्लम है कि वो दीनिया के घर जाए या ना जाए? I just don't trust him with my friend, okay? वो कोई बदमाश नहीं है, मेरा कजिन है वो। और जीनिया मेरी फ्रेंड है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसको जिंदगी में लोगों ने बहुत हर्ट किया, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा किसको हर्ट करे। अच्छा ठीक है, मैं उसे दोबारा बोल। उसको नहीं, तुम उसकी मम्मी से बात करोगी। मैं पहले ही सवेरा से बात कर चुकी हूँ इस बारे में, और
अब अगर मैं खाला को बोलूंगी तो बहुत ऑड लगेगा। आई डोंट केयर ऑड लगे ना लगे, तुम्हें उनसे बात करनी है। डोंट यू थिंक अगर यही बात जीनिया खुद जवाब से कहे तो बेहतर होगा? अब्बा कैसे थे तुम्हारे? ठीक है। जूली की शादी हो गई? ये हेड फॉल है। खामोश क्यों? तुम्हें पता तो है मैं अब्बू से मिलके आने के बाद हमेशा ऐसी हो जाती हूँ। Well, see, you're a grown up now. बास चीजों के बारे में इंसान ग्रोन अप्स की तरह एक्ट नहीं कर सकता दानिश। मैं इसलिए तुम्हें मना करता हूँ जाने से। ये भी अजीब है, मुझे अपने पेरेंट्स को याद दिलाना पड़ता है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। चलो फिल्म देखने चलते हैं। मेरा मूड नहीं है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ फिल्म देखने चलते हैं। नहीं यार, मूड अच्छा हो जाएगा यार। कम 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 हाय जवाद, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। किस बात की? दानिश के एटीट्यूड के लिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आई डिडंट लाइक व्हाट ही सेड टू यू। आपको दुख हुआ होगा? वो सब कुछ अगर आप कहती हैं तो मुझे बहुत दुख होता। दानिश के रवैये का मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर भी सिर्फ ये जानने के लिए फ़ोन किया आपने। आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी मैं। जीनिया, आप सिर्फ एक्सक्यूज करने के लिए फोन करती हैं हमेशा। जवाद, आप मेरे गेस्ट थे। कभी बराए नाम दोस्त होता हूँ, कभी गेस्ट बन जाता हूँ। नहीं, आप मेरे दोस्त हैं। हाँ, दोस्त समझती हैं, लेकिन अपने दिल की बात नहीं करती आप मुझसे। कुछ बातें तो इंसान खुद से भी छुपाना चाहता है। हाँ, लेकिन छुपा नहीं पाता, और किसी से ना कहने से दर्द कम नहीं होता, बढ़ ही जाता है। शायद जीनिया, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ। तो कभी कभी इतना पराया क्यों कर देती हैं? एतबार करना बहुत मुश्किल होता है जवाब। हाँ, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। क्या आप क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं सोच रही तो कुछ सोचें प्लीज। ओके, बाय। अगर तुम उस रात और जवाब के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम जवाब की वजह से प्लीज लीव मी अलोन। दिमाग तो ठीक है? क्यों? तुम्हें पता है कितनी बड़ी है तुमसे? तो? और तुम्हारे नजदीक ये कोई बात नहीं है? नहीं, ये कोई बात नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो ना? माँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है।
कम से कम उसके बारे में हमें कोई मजाक नहीं कर सकता। आई डोंट बिलीव दिस, पर मैं समझ रही थी कि वो कितनी स्वीट है, जबकि शी वाज ट्रैपिंग यू। क्या मतलब? जवाद, इसीलिए वो मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई थी। मैं समझी वो कितनी स्वीट और केयरिंग है। शी एक्चुअली हैड अ हिडन एजेंडा। अच्छा, शट अप माही। तुम उसके लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? आई डोंट बिलीव दिस। हां, क्योंकि तुम इंतहाई शैलो, डम-हेडेड और स्टूपिड लड़की हो। वो तो जानती तक नहीं होगी कि उसके बारे में मैं सब कुछ। यार राइट, वो जानती नहीं है। तुम जैसे पता नहीं कितने मर्दों के साथ दोस्ती होगी उसकी। तुम्हें क्या पता? तुम्हें लगता है उसको अंदाजा नहीं है कि तुम उसके इश्क में मरे जा रहे हो? दानिश बिल्कुल ठीक कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। दानिश मेरे बारे में जो भी कहता है, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम क्या करोगे? शादी करोगे उससे? हाँ। जवाद, जवाद, तुम अपने से 8 साल बड़ी औरत से शादी करोगे जिसकी जिंदगी में 2 डिवोर्सी पेरेंट्स और एक बिल्ली के अलावा और कोई नहीं है? और कुछ? और कोई बेहूदा बकवास करनी है उसके बारे में तो कर लो, ताकि मुझे ये तय करने में आसानी हो जाए कि मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी में कहाँ रखना है, रखना भी है कि नहीं। What? तुम ये सब कह रहे हो मुझसे? मैं बचपन से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझे भी यही लगता था माही, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। तुम मुझे समझ ही नहीं सकी। और वो तुम्हें समझती है ना? कितने अरसे से जान पहचान है तुम्हारी उससे? 2 महीने 3 महीने कुछ और। हाँ, अगर इतनी अच्छी होती तो दानिश की बीवी होती आज। इतने अरसे से दोस्ती है उनकी, क्यों नहीं शादी की दानिश ने उससे? कोई तो वजह होगी। वजह यह है कि दानिश अनलकी है और मैं नहीं। मैं तुमसे ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सैफी। पापा, मैंने आपसे माफी मांग ली है। मसला माफी मांगने का नहीं है, मसला यह कि तुमने ड्रग्स इस्तेमाल करने क्यों शुरू किए। परेशान था मैं। कैसी परेशानी है? ये नहीं बता सकता आपको। क्यों नहीं बता सकते? पापा, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ कि मैं ड्रग्स कभी यूज नहीं करूँगा फिर से। हर चीज की वजह क्यों चाहिए आपको? अगर तुम अपसेट हो तो ये जानने का और पूछने का मुझे हक है ना। सैफी, तुम अंदर जाओ। जुनैद, अंदर जाओ। तुम मुझे क्यों नहीं बात करने देते इससे? यार, बार बार एक ही चीज पूछने का क्या फायदा? मैं बाद में अकेले में से बात कर लूंगा, ठीक है? रिलैक्स। जवाद, क्या हाल है? तुम पाकिस्तान कब आ रहे हो? क्यों? मेरे पाकिस्तान आने में अचानक कितनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है तुम लोग का? पहले तो तुम्हारी भी छुट्टियां गुजारी। बस इस दफा तुम्हें आना होगा। वजह? तुम्हें एक लड़की से मिलवाना है। किसकी है? कौन सी वजह हो सकती है? कई वजह हो सकती है। तो फिर तुम मुझे एक वजह बताओ। सवेरा, कम से कम उस वजह के लिए मैं किसी लड़की से नहीं मिलना चाहता। यार, अम्मी बहुत सीरियस हो गई हैं। इस साल में वो चाहती हैं या तो तुम्हारी शादी हो जाए या तुम्हारी एंगेजमेंट। खैर, सीरियस तो मैं भी बहुत हूँ इस साल। हैं? तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सवेरा, तुम लोग मेरे लिए लड़की देखना बंद कर दो प्लीज। क्यों? इसलिए कि लड़की मैं देख चुका हूँ। कौन है वो? क्यों, माही ने बताया नहीं है क्या तुम्हें? यार जवाद, मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझा था। और ये लेबल क्यों लगाया जा रहा है मेरे ऊपर? यार, माही has told me that she's 10-15 years older than you. हाँ, तो मुझे उसमें कंपैटिबिलिटी नजर आती है। हमें उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है। कहाँ से आई है, कौन है वो? सवेरा प्लीज, किसी लड़की को रिजेक्ट करने के लिए ये रीजन कोई अच्छा इंसान नहीं दे सकता। और मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छा इंसान समझता था। ठीक है, तुम्हें क्या उसमें अच्छा लगा है? सवेरा, वो पहली लड़की है जिसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, कुछ भी। तुम उससे मिली तक नहीं हो। तुम्हारा सारा का सारा वर्जन माही के ओपिनियन पे बेस्ड है। मुझे यकीन है कि तुम उससे एक बार मिलोगी तो उसके बारे में कोई भी ऐसी बात करने से पहले एक बार जरूर सोचोगी। ठीक है, मैं मानती हूँ, शी इज वेरी नाइस। अगर 1-2 साल का फर्क होता शायद अम्मी मान जाती, लेकिन 8-10 साल? बस तुम सोच लो इसके बारे में। मेरा ख्याल है तुम लोग इसके बारे में सोचो। अच्छा, फिलहाल मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा तुमसे। ऑफिस में क्यों फोन किया तुमने मुझे दानिश? लिसन सी, आई वांट टू एक्सप्लेन। मैंने जो कुछ कहा गुस्से में कहा था। गुस्से में बोला हुआ सच? तुम मुझे फोन करके क्या प्रूव करना चाहते हो? हमदर्दी दिखाना चाहते हो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। पुअर ज़ीनिया 10 साल की दोस्ती को पता नहीं क्या समझ बैठी, उसका दिल टूट गया बेचारी। जितनी मेरी इंसल्ट करनी थी तुम कर चुके हो दानिश।
आई नो तुमने मेरे से बहुत प्यार किया, लेकिन मैंने भी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। सी मेरी बात सुनो दानिश, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। गुड बाय। जी हेलो हेलो।